हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी की हर एक बोर्ड के बारे में, जिसमें कि कितने आरआरबी ग्रुप डी में कितने फॉर्म गिर चुके हैं, वो भी लाइव अपडेट। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन मैं दूं आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं ये होम पेज पे ओपन है और मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूं, क्योंकि ये लाइव अपडेट है, इसलिए मैं आपको सभी कुछ दिखाने वाला हूं। और मैं चाहता हूं मैं आपको इस वीडियो के अंदर मैक्सिमम जितना हो सके उतना आपको वीडियो को ज्यादा लंबा मैं करूंगा, और मैक्सिमम जितना भी हो सके उतना मैं वीडियो इसमें बोर्ड के बारे में बता दूं कितने कहां फॉर्मिंग करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं चार बोर्ड के बारे में पहले बता चुका, मुंबई, इलाहाबाद, जयपुर और चेन्नई के चारों बोर्ड पहले मैं बता दिया हूं। अब मैं बात करता हूं ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर मतलब पटना बोर्ड में बात करते हैं। हाजीपुर एक जोन है लेकिन पटना भी उसी माता है, तो उसी के बारे में बात करते हैं आज, उसके फॉर्म के लिए कितना फॉर्म वहां तक गिर चुकी है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैं फिर से वही प्रोसेस अपना रहा हूं, फिर सबमिट पे क्लिक करता हूं। ये हो गया आरआरबी हाजीपुर, या कह सकते हैं से ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे हाजीपुर की, इस यार हाजीपुर की बात करते हैं जो कि एक खुद का खुद जोन है, ठीक है। तो उस पे सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक पेज ओपन होगा और मैं इसमें किसी प्रकार का वीडियो को पॉज नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ जैसे मैं फिर से एक भर देता हूँ सन्नी नाम के फिर से, और यहाँ देख लीजिए कि मैं फिर से एक फॉर्म को फिर से अप्लाई कर लेता हूँ और यहाँ पे फादर्स नेम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि फादर्स नेम मदर्स नेम को अच्छा ही होना चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ लैब अपडेट बताने के लिए मैं आपको इस प्रकार से भर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि मैट्रिक कब पास किए वो भी देते हैं, मोबाइल नंबर की बात करते हैं तो मोबाइल नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए कि मैं मोबाइल नंबर फिर से डाल रहा हूँ, और ईमेल आईडी की बात करते हैं तो ईमेल आईडी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर से ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दे रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे वेरीफाई करना ईमेल आईडी को है, तो ईमेल आईडी फिर से हम वेरीफाई कर लेते हैं और फिर यहाँ पर आपको ये भी सबमिट कर देते हैं। और यहाँ भी कैप्चा, इस कैप्चा को पहले यहाँ भर के यहाँ पे देख सकते हैं कि डिक्लेरेशन पर मैं क्लिक किया और फिर नीचे की ओर आया, फिर यहाँ पे सबमिट का बटन है, सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको फिर से डिटेल दिखाते हैं ये डिटेल सही है कि नहीं आप देख लीजिएगा, और फिर यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए दोस्तों ये आपको फिर अगला पोस्ट पे जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक मैं हाजीपुर जोन मतलब कह सकते हैं पटना जोन में 23,130 ही फॉर्म गिर चुकी है अब तक आरआरबी ग्रुप डी के अंदर, कह सकते हैं 1,00,000 पोस्ट की जो वैकेंसी निकली है वो हाजीपुर बोर्ड में 23,130 है। और 11,200 जो आप देख रहे हैं वो आपका क्या है, एक प्रकार का कह सकते हैं 11,200 एक प्रकार के लिए आपका कोड हो गया हाजीपुर जोन के लिए, और 23,130 फॉर्म अभी तक गिरी है जो कि आपको यहाँ पे मेरा डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये रहा हाजीपुर बोर्ड के बारे में। अब हम बात करते हैं, ये तो लाइव अपडेट दिखा दिया आपको, अब मैं बात करता हूँ। अब एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, अगर चाहते हैं कि ये आपको मैं आप सोच रहे हो कि डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है, तो मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूँ कि मैं ओरिजिनल वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं खोल के दिखा दिया, ब्राउजर को देखिए यहाँ पे 12:47 PM और मेरा घड़ी का टाइम देख सकते हैं ये 12:47 ही हो रहा है, जो कि मेरा अभी 17 मार्च 12:47 का अपडेट में दे रहा हूँ। इसी प्रकार से मैं बात करता हूँ अगले बोर्ड के बारे में, जहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कौन से बोर्ड में और कितने वैकेंसी गिर गई है। और आप चाहते हैं कॉमेंट करके आप पूछ सकते हैं आपको कौन सा बोर्ड की वीडियो चाहिए, तो और मैं एक वीडियो और बनाता हूँ जिसमें कुछ और कोई इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ कि और कोई अलग बोर्ड के लिए, तो फिर वही स्टेप मैं अपनाऊंगा। फिर यहाँ पे नो सब पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे कन्फर्म मारके अप्लाई पे क्लिक करते हैं। जैसे ही यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मैं बता दिया पांच बोर्ड जो उनको बता दिया। अब मैं गोरखपुर की बात करते हैं, नॉर्थर्न ईस्टर्न NER रेलवे गोरखपुर की बात करते हैं, तो गोरखपुर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से वही स्टेप अपनाऊंगा कि किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करना है, तो ठीक है। फिर वही चीज है, नीचे आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल किए यहाँ पे कंफर्म करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है और फिर से आपके पेज ओपन होगा अगला पेज। तो वहां देख सकते हैं अगला पेज में फिर वही चीज इन्फॉर्मेशन हमको फिर से डालना है और इस प्रकार से फॉर्म को फिर से भरना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए भैया मेरा पेज ओपन हो गया, तो फिर से मैं वही चीज डाल रहा हूँ, ठीक है। और फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बदलता हूँ और यहाँ देख लीजिए हो गया, और यहाँ पे फिर से फादर्स नेम बोला है, ठीक है। तो मैं फिर से फादर्स नेम डाल दिया और मदर्स नेम भी डाल देता हूँ, और फिर यहाँ बोल रहा है कि 10th क्वालिफिकेशन में दे रहा हूँ, और यहाँ पे एक सीबीएसई बोर्ड डाल के छोड़ दिया, और फिर यहाँ पे रोल नंबर डाला और बोला कब पास किए तो वो भी डाल दिया। अब बोल रहा है मोबाइल नंबर डालिए, तो मोबाइल नंबर मैं कुछ भी यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। फिर से मोबाइल नंबर डाल लीजिए 456-8000। ओके, नाउ फिर से हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एक फिर से ईमेल आईडी और यहाँ पे वेरीफाई करना है, ठीक है। और यहाँ पे ईमेल आईडी फिर से मिला लेते हैं, फिर 12@gmail.com पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे क्या करना है, कैप्चा को फिलअप करना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, फिर नीचे आने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। और सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ईमेल पे नहीं मैच कर रहा है, तो मैं फिर से इसको मैच करवा देता हूँ, 12@gmail.com। सॉरी दोस्तों, दिस इज माई मिस्टेक, सो आई विल बी
सॉरी चलिए यहाँ पे हो गया सही। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ देख सकते हैं कि गोरखपुर में कितने फॉर्में गिर चुकी है। यहाँ पे सामने डिस्प्ले हो गया कि गोरखपुर में 11600 तो कॉमन हो गया कोड उनका, और 33676 मतलब 33676 फॉर्म अभी तक गोरखपुर में गिर चुकी है। तो ये आपको मैं लाइव अपडेट 2 जून का एक वीडियो में बता दिया हूँ दोस्तों। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन में डालूं इस प्रकार की तो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।